एवरीवन, मेरा नाम है आरजे प्रसून और आप सबको नव वर्ष 2020 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आप देख रहे हैं ट्रैक द ट्रेलर और जिस ट्रेलर की बात मैं आज करने वाला हूं वो है फिल्म मलंग का ट्रेलर। आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर, कुणाल खेमू जैसे जो स्टार्स हैं वो इस फिल्म में नजर आएंगे। मल्टी स्टारर थ्रिलर और रोमांटिक कहानी नजर आ रही है ये। इसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। मोहित सूरी की अगर बात करें तो ये वो लम्हे जहर, कलयुग, एक विलेन, आशिकी 2, मर्डर 2 जैसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। हमारी अधूरी कहानी भी इन्होंने डायरेक्ट की थी। बॉलीवुड में इनका डेब्यू हुआ था फिल्म वो लम्हे से। इस फिल्म के राइटर की अगर बात करें तो इसे लिखा है असीम अरोड़ा ने, जो सैफ अली खान की फिल्म बाजार और लखनऊ सेंट्रल जैसी फिल्मों के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले असीम की एक किताब भी आई है जिसका नाम है रेंजर, जिसको इन्होंने लिखा है ऋचा गणेश के साथ मिलकर। उसमें एक्नॉलेजमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये थैंक यू कह रहे हैं और उसी दौरान इन्होंने सबसे पहले थैंक यू कहा है कुणाल खेमू को इनके दिमाग में किताब लिखने का आइडिया डालने के लिए। और आप देख लीजिए, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि कुणाल खेमू उस फिल्म का हिस्सा है जिसे लिखा है असीम अरोड़ा ने। 2 मिनट 45 सेकंड का ये ट्रेलर है मलंग का। और जैसा बॉलीवुड फिल्मों में होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तब तक जब तक कुछ मिस्टीरियस और सस्पेंस वाला ना हो। इसके ट्रेलर में भी 1.5 मिनट तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छी दिखेंगी। आपको दिशा पाटनी नजर आएंगी रोमांस करते हुए आदित्य रॉय कपूर के साथ। अगर इसके लीड एक्टर की बातें करें आदित्य रॉय कपूर की, दोबारा ये मोहित सूरी के साथ काम कर रहे हैं आशिकी 2 में काम करने के बाद। आखिरी बार आपको आदित्य रॉय कपूर ऑन स्क्रीन नजर आए थे फिल्म कलंक में, जिसको करने के बाद ये भी शायद सोच रहे होंगे कि अपने बॉलीवुड के करियर पर ये कलंक मैंने क्यों ले लिया। ट्रेलर देखने पे आपको ये लगेगा कि अनिल कपूर बेसिकली आदित्य रॉय कपूर को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आदित्य रॉय कपूर का डायलॉग आता है, जान लेना इनका नशा है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं दिशा पाटनी, ऑब्वियसली नेशनल क्रश बन चुकी थी ये जब इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था झारखंड के राजकुमार और हमारे चहेते महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में। इंस्टाग्राम पे आग लगाई हुई है और अगर आप ट्रेलर में इनको देखेंगे तो हो सकता है कि आपको मन कर जाए इनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने का। और ट्रेलर के सबसे लास्ट में ये सरप्राइज करती हुई नजर आती है जिंदा बची हुई और इनका डायलॉग आता है, जान लेना मेरा मजा है। अनिल कपूर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव ग्रे शेड कैरेक्टर है, पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये। और एक डायलॉग आता है जहां ये कहते हैं आदित्य रॉय कपूर को, तेरी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, यहीं खत्म होगी। एकदम समझ में आता है कि इन दोनों के बीच का कुछ पुराना हिसाब किताब है जिसको नए तरीके से और नए फ्लेवर में सॉल्व किया जाएगा। और अगर कपूर साहब की बात करें तो ऑब्वियसली 63 की एज में 36 वालों को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इन्होंने। 2 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं ये, 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का हिस्सा रह चुके हैं, सिंगिंग टैलेंट भी कमाल का है। 1986 में एक म्यूजिक एल्बम आया था जिसका नाम था वेलकम, सलमा आगा का म्यूजिक एल्बम था, उसमें एज अ को सिंगर ये सलमा आगा के साथ थे। और इस ट्रेलर में इनका डायलॉग आता है, जान लेना आदत है मेरी। ट्रेलर में एक और एक्टर आपको नजर आएंगे, कुणाल खेमू। इनकी बात करें अगर तो 2005 में इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म कलयुग से। उसके पहले राजा हिंदुस्तानी, हम है राही प्यार के, जख्म, भाई जैसी फिल्मों में एज अ चाइल्ड एक्टर काम कर चुके थे। अगर आखिरी बार की बात करें तो इनको आपने देखा था फिल्म कलंक में, वरुण धवन के साथ इन्होंने ज्यादा स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। इनका डायलॉग आता है, जान लेना इनकी जरूरत है। ट्रेलर में एक लाइन के डायलॉग के साथ आपको नजर आएंगी एंजेला क्रिस्लिंस्की, ये कहते हुए नजर आती हैं वो किसी को छोड़ेगा नहीं। और अनिल कपूर की एंट्री हो जाती है। ये एक्ट्रेस है, मॉडल है और ज्यादातर तेलुगु फिल्म्स में नजर आती हैं। टेलीविजन की अगर बात करें तो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार नाम का शो आया था स्टार प्लस पे, जिसके जज हुआ करते थे रोहित शेट्टी और करण जौहर, इसमें ये टेलीविजन पे नजर आई थी। इनके बॉलीवुड डेब्यू की अगर हम बात करें तो विक्रम भट्ट की एक फिल्म आई थी 1921 और 1921 से ही एंजेला ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। अब उस इंसान की बातें जिन्हें आप ट्रेलर में नहीं देखेंगे लेकिन इनके कैरेक्टर्स बड़े मजेदार होते हैं।
आशिकी 2 में इन्होंने विवेक का कैरेक्टर प्ले किया था और राहुल जैकर यानी आरजे यानी आदित्य रॉय कपूर के बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले किया था इन्होंने, शाद रंधावा की बात कर रहा हूं मैं। अगर इनके बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म वो लम्हे से इन्होंने डेब्यू किया था। और उसके अलावा अगर इनके कैरेक्टर्स की बात करें हम तो इमरान हाशमी की फिल्म आई थी आवारापन जिसमें इन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था एक विलेन, और कुछ दिनों पहले आई फिल्म सांड की आंख और मरजावा में भी ये स्क्रीन स्पेस शेयर कर चुके हैं। इस फिल्म में म्यूजिक है मिथुन, अंकित तिवारी, अनुपम रॉय और जीत गांगुली का, जिनका म्यूजिक आजकल बॉलीवुड की हर तीसरी फिल्म में सुनने को मिल जाता है। अब बात बैचलर्स की। अगर आप गोवा को लेकर के ज्यादा फैसिनेटेड हैं तो ये फिल्म आपको गोवा जाने के लिए मोटिवेट करेगी क्योंकि शूटिंग लोकेशंस मैक्सिमम गोवा के हैं। और हाँ, मॉरिशस के भी शूटिंग लोकेशंस हैं फिल्म में, तो अगर आप मॉरिशस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाइए घूम के आइए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। सो बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर्स, एक्ट्रेस और टैलेंट को लेकर के मोहित सूरी ने फिल्म बनाई है मलंग। और अगर आपको ये लगता है कि एक फिल्म बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है तो आप ये फिल्म देखने जरूर जाएंगे जब ये 7 फरवरी को रिलीज हो रही है। और मेरी आपसे मुलाकात होगी ट्रैक द ट्रेलर के अगले वीडियो में। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें और व्हीकल चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं ट्रैक द ट्रेलर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।